हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे भारतमाला प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। इसमें हमने भारतमाला प्रोजेक्ट के कुछ की पॉइंट्स को शेयर किया है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, भारतमाला एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट 6,92,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। प्रोजेक्ट बड़ा होने के कारण इसको कुछ कंपोनेंट्स यानी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वेलकम टू केपी कॉन्स्ट्रो, एक ऐसा पोर्टल जिसमें रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बारे में वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट को 6 कंपोनेंट्स यानी 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, भारतमाला प्रोजेक्ट को फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले फेज का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो आज हम पहले फेज से रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के आर्थिक विकास के लिए बनाए जाते हैं, मतलब मटेरियल प्रोडक्शन से फाइनल कस्टमर तक पहुंचने का काम इकोनॉमिक कॉरिडोर से होता है। एग्जांपल से समझे तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मुंबई में हो रहा है और वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर को चेन्नई में परचेस करना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। ऐसे रोड्स को इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। अभी इंडिया में 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ये नंबर 50 तक बढ़ाया जाएगा, मतलब 44 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें 9000 किलोमीटर के रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और इसके लिए 1,20,000 करोड़ रुपीज़ अमाउंट खर्च की जाएगी। दूसरा कंपोनेंट है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स। ये रोड्स पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और दो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के आपस में कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स के लिए 6000 किलोमीटर के रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और इनकी कॉस्ट लगभग 80,000 करोड़ होगी। थर्ड कंपोनेंट है नेशनल कॉरिडोर्स इफिशेंसी इम्प्रूवमेंट। इस कंपोनेंट में जो एग्जिस्टिंग नेशनल कॉरिडोर्स हैं उनकी इफिशेंसी को बढ़ाया जाएगा। जैसे अगर लेंस कम पड़ रहे हैं तो लेंस को बढ़ाया जाएगा, रोड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और डिकंजेशन यानी ट्रैफिक को स्मूथली ट्रैवल करवाने के लिए काम किया जाएगा। इस इम्प्रूवमेंट के लिए 5000 किलोमीटर के नए रोड्स भी बनाए जाएंगे। एग्जिस्टिंग रोड इम्प्रूवमेंट के लिए और नए रोड्स के लिए 1,00,000 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे। फिर आते हैं बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स। इसमें बॉर्डर से लगकर नए रोड्स और एग्जिस्टिंग रोड को इम्प्रूव किया जाएगा। इससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बहुत फ़ायदा होगा। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड के लिए 2000 किलोमीटर के नए रोड्स भी बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स। पोर्ट से होने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोस्टल एरियाज़ के रोड्स को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2000 किलोमीटर के रोड्स बनाए जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे। लास्ट और सिक्स्थ कंपोनेंट है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मतलब ऐसा एक्सप्रेसवे जो बिल्कुल नया बनाया जाएगा और कोई भी एग्जिस्टिंग रोड्स को डेवलप करके नहीं बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो ये थे भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले फेज के 6 कंपोनेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा, 1998 में NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। तो NHDP के अंडर 10,000 किलोमीटर के रोड्स बनाए जाएंगे और उन रोड्स के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो फर्स्ट फेज का टोटल रोड कंस्ट्रक्शन NHDP को मिलाकर 34,800 किलोमीटर होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5,35,000 करोड़ बन जाती है।
फर्स्ट फेज 2022 तक कंप्लीट होने की आशा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।